ambitious scheme of agri clinics and agri business centers jointly implemented by Government of India, Manage, SFAC and NABARD has three important objectives: to supplement public extension, to provide multiple and specialized extension services, to provide self-employment opportunities to unemployed agricultural graduates. Agri clinic aims at providing information and advice, while agri business centers provide input and specialized services. The program was launched by Honorable Union Agriculture Minister Sri Ajit Singh Ji on April the 9th, 2002 at Jaipur. The response from the agriculture graduates was overwhelming, that is, more than 13,500 applications were received. Let me emphasize, this morning in manage meeting also we discussed how we can improve this program, how we can help you more, and many suggestions were that we should have a network, we should tie each agro clinic should be tied up with the KVKs, with the Atmas, with the universities, with the department. Increase productivity to make a small farmer a businessman. I'm looking up to you guys, really. In fact, the whole agriculture department, we are all looking up to you. First cycle of training programs was completed in 12 states, 26 organizations covering 618 agripreneurs. Hand-holding mechanism is effectively extended by Manage through training institutes. First national level interface of successful agripreneurs organized at Manage on 8th and 9th September 2002 brought all the 70 agripreneurs together who started agripreneurial activity in different parts of the country. After the training, success stories are sure to ignite the minds of potential agripreneurs. नमस्कार, मेरा नाम गजानन जगन्नाथ कोलते हैं। मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पीकेवी अकोला से पास किया है। महाराष्ट्र के अत्यंत पिछड़े विस्तार विदर्भ के मलकापुर का मैं रहवासी हूँ। हमारे यहाँ पर या तो अकाल होता है या फिर फ्लड होता है। इस साल फ्लड है, और वैसे मैं अभी फिलहाल बलसाड़ में रहता हूँ, जो गुजरात का एक एरिया है, साउथ गुजरात का। वहाँ पर अभी फिलहाल मैं एग्रो कंसल्टिंग करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स में वहाँ की शुगर कोऑपरेटिव्स, बड़े बड़े फार्मर्स, इंडस्ट्रियल फार्मर्स, वो सब लोग हैं। उसमें से कई फिल्म के सितारे भी हैं, फिल्म की नायिका भी हैं, जिनके वहाँ पर फार्म्स हैं। मैंने गुजरात के वीआरटीआई मांडवी, जो कच्छ एरिया में आता है, वहाँ पर से ट्रेनिंग लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारा ट्रेनिंग रहा। कई महानुभाव आके उन्होंने हमें योग्य मार्गदर्शन दिया, और जिसका हमारे भविष्य में हमें लाभ बखूबी से मिल सकता है, ऐसी मेरी अपेक्षा है और भावना है। और मैनेज और कृषि मंत्रालय भारत सरकार का, उनका भी बड़ा सहयोग रहा हमारी इस ट्रेनिंग में, और उनकी उनको भी मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे फैमिली में मेरा तीन सिस्टर है, उसमें से दो लेक्चरर हैं और एक अभी प्राइमरी टीचर है। मैं ब्रदर में मैं हूँ, मेरे पिताजी फार्मर हैं, वो रिटायर्ड हेडमास्टर भी हैं। और अभी मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में डायल बिफोर यू डू सर्विस शुरू करने वाला हूँ। मतलब मैं क्या देने वाला हूँ इससे, इसके बजाय फार्मर्स को क्या चाहिए वो मैं इसको दूंगा। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है, इन सभी चीज़ों का मैं योग्य ज्ञान फार्मर्स को दूंगा, और उसके बदले में उसकी फीस मैं चार्ज करूंगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फ्री में दिया हुआ ज्ञान कभी भी ज़्यादा उतना सफल नहीं होता है जितना कि चार्जेबल। तो हाँ, मैं उनको एक इस बात की श्योरिटी भी दूंगा कि मुझसे जो भी वो कुछ सीखेंगे उसके उनको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट मिलने के बाद भले वो चाहे तो उसकी फीस मुझे दे। मैंने जो ट्रेनिंग लिया उसमें मैं एक एग्री बिजनेस सेंटर नासिक में शुरू करने वाला हूँ। नासिक महाराष्ट्र में आता है, और वहाँ पर ग्रेव्स, शुगर केन, पोमोग्रेनेट और वेजिटेबल का ज़्यादातर फार्मिंग है। और पिछले 10-15 दिन से मैं उस पूरा एरिया का स्टडी कर रहा हूँ, वहाँ का सोशल स्टडी कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर स्टडी कर रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी कर रहा हूँ। और अगले एक महीने के भीतर मुझे वहाँ पर ये मेरा जो है मैं जो ये करना है उसका पूरा सेटिंग करना है।
नहीं, एग्रो क्लिनिक्स मैंने शुरू नहीं किया था, कल इसका बेसिक जो आइडिया था वो पहले से ही 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। जैसे कि फार्मर्स लोगों को नए नए वेंचर्स पे ले जाना, क्रॉपिंग पैटर्न उसका चेंज करना, शुगर केन में मैंने इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का पूरा एक थीसिस लिखा है, और वलसाड शुगर फैक्ट्री के सहयोग से 50 फार्मर्स को उसके ऊपर अप्लाई भी किया और उनको अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला है। उनका जो एवरेज है वो 40% ज़्यादा हुआ है जो एक्चुअल आता था उसमें, और फार्मर्स लोगों को फ़ायदा होने की वजह से वो उसके ऊपर वो लोग अपना रहे हैं इस चीज़ को। और मुझे उम्मीद है कि ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी की जो ये है व्यूज़ है वो अपनाने से हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो पूरा आगे आ सकता है। मैंने NGO को अप्रोच किया तो उन लोगों ने मदद देने का मुझे वादा किया है। गवर्नमेंट में भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वगैरह को मैं अप्रोच कर चुका हूँ, उन्होंने भी वादा किया है। और लोन लेने के लिए रही बात, तो लोन लेने के बारे में मुझे भी पूरा आइडिया क्लियर नहीं कि हाउ दे आर गोइंग टू गिव द लोन्स। इफ दे आर गोइंग अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी देन इट विल बी यूजलेस, बिकॉज इफ दे आर दी डिमांडिंग कोलैटरल सिक्योरिटी देन इट इज इम्पॉसिबल टू सेट अप एग्री बिजनेस और एग्री क्लिनिक सेंटर फॉर पुअर पीपल, एंड दैट मीन्स गवर्नमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द रॉन्ग प्रोपेगेशन टू सपोर्ट ओनली द रिचर पीपल, बट रॉदर टू सपोर्ट रिचर गवर्नमेंट हैव टू सपोर्ट द पुअर पीपल विच इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। मेरा भविष्य प्रणाली का मैं एग्री बिजनेस सेंटर ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ कि एग्री इनपुट्स भी फार्मर्स को दूंगा और वो जो पकाते हैं वो खरीद के उनको मार्केट भी दिलाना चाहता हूँ, ताकि उनके जीवन में एक श्योरिटी हो, जीवन में एक स्थिरता उनके प्रदान हो, उसका लाभ मुझे भी मिलने वाला है उनको भी। तो मेरा जो अप्रोच है उससे सोशल बिजनेस करूँगा, मैं ट्रेडिशनल या ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं सोशल बिजनेस करूँगा जिसकी वजह से दोनों को लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा। समाज को होगा तो अल्टीमेटली मुझे होने वाला है। तो इसके लिए मुझे गवर्नमेंट की जो अच्छे अच्छे कंसल्टेंट है, मैनेज है, इन सब की मुझे भविष्य में मदद की जरूर है, और मैं जब जब मुझे जरूर पड़ेगी तब तब उन्हें अप्रोच करूंगा। मेरे पास कुछ नया है तो भी उनसे मैं वो ट्रांसमिट कर सकता हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंगल है, मैं राजस्थान प्रांत में भरतपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर BEd LLB है। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड पर्सन हैं। मेरे दोनों भाई, एक भाई छोटा है एक बड़ा है, दोनों इंजीनियर हैं, और मेरी माँ एक्सपायर हो चुकी हैं। ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। मैंने अपना ट्रेनिंग RISEM जयपुर से किया है और उसका कंप्लीशन 30 जून 2002 को हुआ है। डिग्री पूरी करने के बाद मैं अपना बिजनेस कर रहा था, मैं प्राइवेट स्कूल्स चलाता हूँ, NGO चलाता हूँ। एक दिन अखबार में मैंने मैनेज का एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उसे पढ़ करके मैंने उसमें अपना अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद एक दिन RISEM से मुझे पत्र मिला कि मुझे ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। तो मैंने सोचा कि मेरा एक अच्छा एक्सटेंशन फील्ड में मेरा अच्छा होल्ड है, और एग्रीकल्चर की बेसिकली मेरा जॉब सर्टिफिकेशन एग्रीकल्चर से होना था जबकि मैं एजुकेशन में काम कर रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया कि मैं उस फील्ड में, उस राजस्थान के उस प्रांत की उन जगहों पर जहाँ की एग्रीकल्चर का इतना विस्तार नहीं है, मैं अपनी सेवाएं दे पाऊँगा, और इस ट्रेनिंग का यूटिलाइज करके उन लोगों का जीवन स्तर और इंडियन इकोनॉमी में कुछ हेल्प कर पाऊँगा, इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग को चुना। और 29 अप्रैल को मैंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। 2 महीने की ट्रेनिंग के दरमियान जो हमारे नोडल ऑफिसर थे मिस्टर PC ड्यूडी, उनके सुपरविजन में बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट टीचर जो थे उन्होंने हमको अपने लेक्चर्स दिए, अच्छा विजिट भी कराया गया, और 30 जून 2002 को हमने अपना कंप्लीटेशन किया। और करने के बाद हमने पाया और महसूस भी किया कि इस ट्रेनिंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पता लगा, पूरे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे जो लेक्चर्स थे उनके नोट्स हमको वहाँ मिले, और मैं तुरंत अपने यहाँ क्षेत्र में गया और वहाँ जा करके मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी फील्ड में अपना प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट किया, बर्मी कंपोस्टिंग और फार्मर ट्रेनिंग सेंटर का किया। मैंने अपने क्षेत्र में जा करके अपनी लैंड पर विदाउट किसी लोनिंग के अपना प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल में शुरू किया। हमारे क्षेत्र में एक नई चीज़ है,
लोग बर्मी कंपोस्ट के बारे में नहीं जानते। वहाँ एक एनजीओ है लूपिन, उसके द्वारा कुछ क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है। हमने उनसे भी कॉन्टेक्ट किया और कई एक पैलसर में एक पर्सनल व्यक्ति भी काम करता है, उसकी भी सेवाएं ली। परिणाम ये हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो गया। शुरुआती के दिनों में 5-7-8 दिन हमें काफ़ी फील्ड में मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा पूरे इस क्षेत्र में अच्छा एक पकड़ है। उसके परिणाम स्वरूप मैंने किसानों को वहाँ अपने सेंटर पर बुलाना शुरू किया और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों में जो फार्मर्स हैं वो बर्मी कंपोस्ट के बारे में जानने लगे हैं और अब तो काफ़ी रेस्पॉन्स भी वो दे रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हमें बराबर हेल्प मिल रहा है। राइसम के द्वारा समय समय पर हमसे पत्र व्यवहार भी किया जाता रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज में हमें किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिला है। राइसम के और उनके निदेशक महोदय डूडी साहब के लिए तो हम आभारी हैं कि बराबर हमें मैनेज किए हुए हैं। लेकिन बैंक्स का जहाँ तक बात करें तो स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो फाइनेंस के लिए हमने बैंक वालों से कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उनके कॉन्टेक्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। बैंक्स वाले कोलैटरल सिक्योरिटीज इतनी मांगते हैं जितना हम लोगों के बस की नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी इतना हायर है कि शायद उसे देने में हमारा पूरा जो इनकम होने वाला है, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर तो हमको कोई ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत के दिनों में उन लोगों के चक्कर लगाए और जब परिणाम नहीं निकला तो हमने बैंक्स का काम बिल्कुल बंद कर दिया और अपनी पर्सनल व्यवस्थाएं करके ही अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। और अब तो धीरे धीरे अब उसका एक्सपेंशन जो हमें करना है उसके लिए फाइनेंस की शायद ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर पुनः एक बार बैंक्स वालों से प्रयास करेंगे और मैं मैनेज और जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो लोग अगर इस प्रोजेक्ट्स की सफलताएँ ज़्यादा चाहते हैं तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को इसलिए कहना पड़ेगा कि वो हमें फाइनेंस में कुछ सुविधाएं दें। मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं डेयरिंग साथ में लगाऊं जिससे मुझे बर्मी कंपोस्ट के लिए जो एक बाई प्रोडक्ट है गोबर वो वहाँ उपलब्ध हो सके। साथ में मेरा जो फार्मर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं वहाँ NGOs की हेल्प लूँ और मेरे खुद का जो NGO है उसकी भी हेल्प से उसे और डेवलप कर सकूँ। ये मेरी भविष्य की प्लानिंग है। मेरा नाम लखपत सिंह चौधरी, मैं बारा जिला बारा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने सन 1986 में BSCG मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ से की थी। मेरे पिताजी श्री रणधीर सिंह चौधरी जो कि राजस्थान के अंदर जिला कृषि विस्तार अधिकारी से सन 1997 में रिटायर हुए हैं। इनके अलावा फैमिली में मेरी मदर, मेरे 5 भाई हैं, 4 भाई मेरे से छोटे हैं और इसके अलावा के नाम से सारे के सारे जितने भाई हैं मेरे सब खेती करते हैं। हम भाइयों के पास में 2-2 एकड़ ज़मीन है, शामिलात खाता है। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने सोचा कि गवर्नमेंट सर्विस में जाने का मेरा कोई इरादा था नहीं कि छोटा मोटा कोई बिजनेस करूं और अपने पैरों पर खड़ा हूं। मैंने पेस्टिसाइड का बिजनेस शुरू किया। इसी दौरान मुझे 28 फरवरी 2002 को दैनिक भास्कर में मैनेज की तरफ से एक विज्ञापन निकला था जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी एग्री क्लिनिक व एग्री बिजनेस सेंटर की, जिसमें कि बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था और ये कार्य मैनेज और SFSC के माध्यम से किया जा रहा था। तो इसमें मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मेरा सेंटर राजस्थान में रायसेन जयपुर के अंदर आया। वहाँ मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग प्राप्त की। ट्रेनिंग मेरी 30 जून को समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मैंने पाया कि यहाँ आने के बाद में हमने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं मिस्टर PC ढूंढी, उन्होंने समय समय पर हमें कोऑपरेट किया, अच्छे वक्ताओं से हमें प्रशिक्षण दिलवाया। साथ में इन्होंने राजस्थान की 10 दिन की विजिट भी करवाई। विजिट से भी हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि ये ट्रेनिंग करने के बाद में मेरे दिमाग में मेरी सोच में काफ़ी परिवर्तन आया कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ उसमें काफ़ी बदलाव की क्षमता है, बदलाव की संभावनाएं हैं। मेरा जो बिजनेस सीड एंड पेस्टिसाइड्स का था उसको ही मैंने डेवलप करने के लिए सोचा। राजस्थान के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है और इस साल इतनी भीषण स्थिति हुई है कि पूरे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं सबको अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र का किसान है वो ऐसी फसलें लगाए
जिसमें सबसे कम पानी की ज़रूरत हो, आमदनी भी ज़्यादा हो और हमारे किसान की माली हालत भी सुधरे। मैं इसके अंतर्गत ही काम करना चाहता हूँ। ये मेरा ट्रेनिंग के दौरान कुछ इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। मैं चाहता हूँ कि किसान जो कि जिसके पास किसान जितनी ज़मीन है उसका 25% ज़मीन के अंदर वो खुद का बगीचा हो, खुद के फलदार पौधे लगे हैं, इमारती लकड़ियों के पेड़ लगाए जाएं, साथ में इंटरक्रॉपिंग किसान करे जिससे कि उसको डबल आमदनी हो। ये जो परिवर्तन है ये मेरे दिमाग में ये ट्रेनिंग के बाद से आया। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस हैं मैंने संपर्क किया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उनसे मैंने नर्सरी के लिए मदर प्लांट्स मांगने की मांग की थी। उन्होंने मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप अपने स्तर पर ये व्यवस्था कीजिए। उसके बाद में मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर गया, उनसे कहा कि साहब कृषि वानिकी मैं करवाना चाहता हूँ और आपके पास में कोई नई स्कीम वगैरह आती हैं इसकी कृपया मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए। और तो उन्होंने कहा कि हमारा स्टाफ ही थाली बैठा रहता है, हम आपको क्या जानकारी देंगे। दोनों ने मुझको कोई कोऑपरेट नहीं किया। ये काम मैं अपने स्तर पर कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है टोटल मिलाकर के 6.5 लाख रुपए का। अपना प्रोजेक्ट लेकर के मैं इस भूमि विकास बैंक गया था तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, हम तो ज़मीन के ऊपर लोन देते हैं, आपके पास मात्र 2 एकड़ ज़मीन है, हम 1,05,000 रुपये तक ही लोन आपको दे पाएंगे, बाकी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में मैंने हमारे जो राजस्थान के अधिकारी हैं मिस्टर पीसी ढूंढी, उनको फ़ोन से बात हुई। उन्होंने ये बात कहा, बैंकों से उन्होंने खुद संपर्क किया टेलीफोन के जरिए, लेकिन अभी तक लोन वाली जो प्रक्रिया है वहीं की पे रुकी हुई है। जब तक मैं मैनेज और SFSC से या नाबार्ड से इनसे ये अनुरोध करूँगा कि हमारे लिए इस ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो यहाँ ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये ऋण प्रक्रिया सरल बना दी गई, हमें पैसा मिल गया, तो जो गवर्नमेंट सर्विस में बैठ करके लोग काम कर रहे हैं उससे हम कई गुना काम ज़्यादा करके दिखाएंगे। और इस साथ में इसके लिए हमें गवर्नमेंट अगर थोड़ी अनुदान भी दे, चाहे हमें उसे डायरेक्ट ना दे करके उसको हमारा डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और हमारी जो इंस्टॉलमेंट जो कि टाइम टू टाइम जा रही हों उसके बाद में उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हमारी बहुत बढ़िया सुविधा रहेगी। मेरा नाम विनय सिंह वर्मा है, मेरी उम्र 63 वर्ष की हो गई है। मेरे जो है मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो MSc है एग्रीकल्चर साइंस के अंदर, और मेरी फैमिली के अंदर मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 3 बच्चा है। मैंने जो है रायसेन जयपुर से जो है 2 महीने का ट्रेनिंग किया था एग्री बिजनेस एंड एग्रो सेंटर के सिलसिले में, और वो जो था जो 30 जून को ख़त्म हो गया। ये ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे काफ़ी उम्मीद बढ़ी कि इस प्रकार की ट्रेनिंग होगी तो उस समय काफ़ी कुछ हम प्रगति कर सकते हैं, देश किसानों का जो है जीवन उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान जो है जो प्रैक्टिकल जब तक चीज़ नहीं देखता उसे अडॉप्ट नहीं करता है, और एग्रीकल्चर मशीनरी जो गवर्नमेंट मशीनरी स्पेशली वो इतनी एक्टिव नहीं है रही कि जो विलेजेज में फार्मर्स टू फार्मर कॉन्टैक्ट करें। तो ये ट्रेनिंग से क्या है कि एग्रीकल्चर में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है वो कम होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो जब उसका खुद का बिजनेस होगा तो नेचुरली है ये मान के चलिएगा कि वो जो है एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कॉन्टैक्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फैचअप करने की कोशिश करेगा। तो इस ट्रेनिंग से क्या है, दिस इज़ ए जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। नाउ अभी क्या है, हम ये उम्मीद करते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर कि हमें जितने भी हैं गवर्नमेंट सर्कुलर से या गवर्नमेंट की पॉलिसी से, हमको क्योंकि हम विलेज में रहते हैं तो हमको उससे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो इसलिए वो एक ज़रूरी है। उसके साथ साथ फिर कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट मशीनरीज जैसे BDOs है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इससे जब तक कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा उससे इनका सपोर्ट नहीं रहेगा, स्पेशली बैंक से, क्योंकि बैंकर्स जो है वो ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हम इनके पास जाते हैं तो ये हमको टाल मटोल करके लौटा देते हैं कि कल आना परसों आना, इस तरह से करते रहते हैं। इस साल हमारे राजस्थान में अकाल पड़ रहा है और अकाल की वजह से किसानों के पास में पैसा नहीं है, काफ़ी कुछ परेशानी आई हुई है। तो मैंने अभी इस समय स्टार्टिंग में क्या किया है कि किसानों को ऐसी फसल बताना, जड़ी बूटियों की फसल स्पेशली जिसमें हाई रिटर्न्स हो और लो इन्वेस्टमेंट हो, वो शुरू किया है।
तो उसमें उनको जड़ी बूटियों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है और उनको प्रेरित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोएं, क्योंकि उसमें इनकम अच्छी होती है और रिटर्न एक्सपेंसेस कम होते हैं, रिटर्न अच्छा मिलता है। इसी प्रकार जो घर पे लेडीज़ बैठी हुई हैं उनको मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बता रहा हूँ, ताकि वो मशरूम पैदा करें, उसको बाई बैक के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं उनसे वापस खरीद लूँ तो उनको बेचने की दिक्कत नहीं और मैं उसको फर्दर आगे कर दूँगा। तो ये मेरा अभी समय प्रोग्राम है, क्योंकि रबी से फिर मैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का काम स्टार्ट करूँगा। अच्छा, इसके साथ में मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड जो मेरा है, मैंने MSc एग्रीकल्चर में कर रखा है और पिछले करीब मेरे पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले जॉब में था, वहाँ से मैं VRS लेके इस फील्ड में उतरा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इतना मैंने गेन किया जो कुछ वो किसानों को तक पहुँचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ पहुँचाया जाए। अभी क्या है कि हमने जहाँ रायसेन में ट्रेनिंग ली थी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे साथ में, और उन्होंने ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से ढंग से दी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बुलवाए थे और उनके साथ साथ हमें टाइम टू टाइम वो सर्कुलर्स भी भेजते रहते हैं और हमारी प्रोग्रेस भी पूछते रहते हैं, तो उनका तो हमारे साथ फुली रेस्पॉन्स है। सिमिलरली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो भी सपोर्ट में तैयार हैं, वो भी बोलते हैं भाई कुछ काम करो। बाकी का जो है आगे का मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं हमारे पास में गांव के पास में गौशाला है जिसके अंदर काफ़ी गोबर क्वांटिटी में होता है काउडंग, तो मैं उससे वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ, ताकि उस वर्मी कंपोस्ट से जो है अच्छा मैन्योर फार्मर्स को दिया जाए। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स जो हैं, जो कि इसका जड़ी बूटियों की से तैयार किए जाते हैं, उनको करें, क्योंकि जो हम केमिकल लेते हैं काम में पेस्टिसाइड, इसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है स्पेशली इन वेजिटेबल्स, और जिसको हम खाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा फूड पॉइजन धीरे धीरे होता जाता है। तो आई एम्फेसाइज ऑन यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, तो बायो पेस्टिसाइड्स के ऊपर मेरा प्रोग्राम है, एक वर्मी कंपोस्ट 2 प्रोग्राम में आगे टेकअप करने जा रहा हूँ, वो जो होगा अक्टूबर नवंबर से शुरू होगा, और मैंने हमारे जो गौशाला है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। In fact, flowers are the divine script which nature writes for us. Flowers have always been an integral part of our tradition and culture for centuries together. Flowers, as we all know, emotionally reflect our feelings and act as interpreters of our love and affection. Their fascinating colors, touch and fragrance captivate our hearts, and we feel as if enthralled by them. In the new century, India has come up as a leading exporter of flowers in the world, which symbolizes the beginning of Golden Revolution. Dry flowers have a share of 65% in the total flower export from India. Domestic consumption of dry flowers has also considerably increased. Under the Agri Clinic and Agribusiness Center scheme of Ministry of Agriculture, Government of India, a trained agriculture graduate discovered new avenues by blazing a new trail in the field of dry flowers marketing. He set out on a new journey towards a great endeavor in this field. Let's listen to this inspiring tale of a struggle and success of this young agri entrepreneur in his own words. I obtained BSc agriculture degree from SKN College, Jobner, in 1998. Thereafter, having relentlessly tried for a government job, I came across an advertisement in a newspaper issued by the Manage Hyderabad. It was related to agri clinic and agribusiness. During the moments of pessimism, when I filled up the form, I was not sure whether it would be apt or not. After that, I was informed that I had been selected for the training, which started from 1st May 2002. During the training, my mind was constantly preoccupied with the idea of starting a business relating to this field. Ultimately, I thought of taking up a business of handmade flowers, which are made from natural flowers. This is a new item here. When I started this business, I found that there was no such items in the market. I visited Calcutta for this purpose, because I was told that a number of people were engaged in such a work there. I found that this business was very much related to agriculture. In the initial stage, I started the business with a very little investment. I thought of starting this business here. मैंने
पूंजी की सोची तो मैं आई शेयर द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट विद माई फादर हु प्रॉम्प्टली मेड द फंड्स अवेलेबल टू मी फॉर द पर्पज आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ फंडिंग ऑफ नियरली 20,000 और सो बाई नाउ आई हैव इन्वेस्टेड अबाउट 2-3 lakhs which has enabled me to provide for my monthly expenditure. When I floated the item for marketing, I realized that it was not an easy task. I kept a few items at the shop of a couple of friends for public display and prospective marketing. This gave me a good feedback. People appreciated my items, which received a good sale. Encouraged by this motivation, I expanded the business and for a better marketing, I took the items to various gift shops where I received a ready and positive response. Let's see how the retailer respond to it. अजय कृष्ण से मेरे पास मिस्टर अजय जोशी एक बार दुकान पर आए और उन्होंने बताया कि मैंने नया प्रोडक्ट एक बोनसाई का चालू किया है आप देखिए इस प्रोडक्ट को तो मुझे देखने से प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा लगा कि इसमें थोड़ी हरियाली टाइप में जिसको कस्टमर लाइक करता है तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया कि आप ठीक है मेरी दुकान पर इस माल को रखवाइए और देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स आता है जब से मैंने इस दुकान मेरी दुकान पर इस माल को मैंने रखा तब से जो यंग जनरेशन है वो इस आइटम को अच्छा कुछ पसंद करती है और बड़े शौक से इस प्रोडक्ट को खरीदती है Registrar Cooperative's Government of Rajasthan also visited the spot and had this to say. Agri clinic ki jo training programs organize kiye jaate hain Krishi Mantralay dwara isme jo natije dekhne ko mile hain wo nischit roop se prashansniye hain main एक जहाँ से आपसे बातचीत कर रही हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ एक हमारे ट्रेनी जिन्होंने रायसेन में ही ट्रेनिंग ली थी उन्होंने एक ड्राई डेकोरेशन जो फ्लावर्स का कर रहे हैं उसमें इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने चुना जो इन्होंने कलकत्ता से लेके आए हैं और आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ जो ड्राई डेकोरेशन के पीसेज रखे हैं ये सोच रहे हैं कि इसकी ये अपने शहर में ऐसे फ्लावर्स को उगाएं और उसकी उसको ड्राई करके उसकी ये जो है मार्केटिंग करें बहुत अच्छा बिजनेस इनको यहाँ मिलने की उम्मीद है इसी तरह के और प्रयास स्टूडेंट्स ने किए हैं तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि इस एग्रो क्लिनिक में जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके मार्फत इन बेरोजगार युवक युवतियों को नया रोजगार मिला और एक जो 2 माह का जो प्रशिक्षण हुआ उसमें उनके तहत उन्होंने नई नई जानकारी सीखी और एग्रो बिजनेस में किस तरह से कार्य करें किस तरह से ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपने फील्ड में काश्तकारों को सिखाएं और उसके तहत एक हरित क्रांति में किस तरह की उपलब्धि हासिल करें इस तरह के नए प्रयास करेंगे The success of this modest beginning proved an impetus to him to formulate a plan for the diversification of his business. Hamari training bahut achhi rahi. We had an excellent training and we visited a nursery during our tour. The nursery manufactured rose water etc. which is also exported. The farmer at the nursery also inspired me and I thought of my own business. When I will expand my business in future, I have also a nursery business in my mind. I have almost adopted the dry flower business. I am satisfied with the progress. Now I want to bring to the market rare ornamental plants and exotic varieties which are not available in the local market. He brought 4 skilled artisans from West Bengal having expertise in dry flowers arrangement. He also demonstrated the process. इस तरह से इसको जैसे यू कैन सी दैट आई एम स्निपिंग द प्लांट एंड गिविंग इट अ शेप व्हिच आई वांट टू बी नोन एज ड्राई बोनसाई यू मस्ट हैव सीन लाइव बोनसाई बट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्राई बोनसाई फॉर द फर्स्ट टाइम ये जैसे आप पॉट देख रहे हैं
ये टेराकोटा का बना हुआ है। The holding pot that you see is made of terracotta. The plant is fitted into the pot by giving it various shapes. The pot is filled with plaster of Paris, wherein the plant is fixed. This becomes a gift article. जहाँ तक कमाई का और व्यवसाय का प्रश्न है, मुझे इस इसके अंतर्गत एक दोहा याद आ रहा है। दाता इतना दीजिए, जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। The new enterprise has imbued this young man with enormous self-confidence and self-esteem. और देखिए कि जैसे जहाँ मतलब व्यवसाय चालू करने की बात है, तो बूंद-बूंद से ही घट बढ़ता है और दाने-दाने से भंडार बढ़ता है। इसलिए धीरे-धीरे ये मैं चाहूँगा कि इसको मैं धीरे-धीरे इसको बढ़ाऊँ आगे और एक अच्छी मंजिल तक इसको मैं पहुँचा सकूँ। It should go without saying that the beauty of flowers generates a sense of hope in the midst of utter dismay and dejection. But the films have solitary effect on the impressionable mind of our young generation. आपने वो फिल्म लगान जरूर देखी होगी। उसमें एक डायलॉग था, छोटी-छोटी आँखें और बड़े-बड़े सपने। क्या बात? छोटी-छोटी आँखें और बड़े-बड़े सपने? हाँ अर्जुन, हम सपना देखे थे और सपने वही साकार कर पावे हैं जो उन्हें देखे थे। इस फिल्म और इस सीक्वेंस ने मुझे बहुत रोमांचित किया और ये मेरा प्रेरणा स्रोत भी है और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इसके बाद जो सपने देखे थे वो मैं साकार कर सकूँ और धीरे धीरे उनको एक मंजिल तक पहुँचाऊँ। थैंक यू मैनेज, थैंक यू रायसेम, SFAC थैंक यू और भारत सरकार को थैंक यू। In May 1975, in a small town of Maharashtra, a promising girl was born in Modi family. With the passage of time, this little girl playing with dolls and toys moved towards the path of education and having completed her schooling, joined the college, from where she passed out as an agriculture graduate. Thereafter, having been married, she moved from Maharashtra to Bhilwara in Rajasthan. In her new environment, she started deeply imbibing and adjusting herself with the unique culture of Rajasthan, but she was all the time haunted by the idea of making the optimum use of her professional education. Therefore, from 1st May to 30th June 2002, she participated in first batch of training program on Agri Clinic and Agri Business Center scheme run by RISEM. ये जो training थी ये एकदम well. It was a well-planned and well-designed training. The discussions that we had at the training were focused on the subject and were greatly relevant to our purpose. The experts and the resource persons that came to talk to us replied to our queries to our utmost satisfaction. This open interaction provided us with a great deal of knowledge. Among the four areas, we had IT also, which included computer and other advanced technologies relating to agriculture. When I was going to Jaipur to join the training, I was rather skeptical of the outcome of a government training and I had certain misgivings about such a training. But when I was actually through the training, I had altogether a different experience. We were taught relevant things and were given practical knowledge. I picked up practical knowledge about agribusiness from the training itself. During the training, a resolve got rooted into my mind that I have to choose dairy as my career. After my training, I started dairy business from 3rd July. When I thought of a dairy, I faced with the problem of land, but my father-in-law gave me a piece of land measuring 2000 square feet, where I constructed my dairy, the cost of which came to around 3 lakhs. Then another problem was the water problem, because in Bhilwara,
water is scarce, and water scarcity and dairy cannot go together. 400 square foot. I got a 400 feet deep bore well built, which cost 40,000. At the initial stage, I bought 3 cows, which included Holstein breed and Gir breed cows. Now I have 3 buffaloes and 5 cows, which gave me 80 liters of milk per day. This has become my routine, and I have by now started experiencing the practical benefits and profits from this business. When I look back, I remember to have thought of a career by taking up a job, but it all came about by chance and I started dairy business. Now I realize that whatever came about was all for the good. The dependence on a job was over and I thought of my self-employment, which is presently proving a boon to me. On joining the training, I had resolved to take up dairy farming as my career, of which I am proud of. When I thought of a dairy, I made a firm resolve to go in for quality and purity, so that the people feel that they are getting pure milk from a clean and hygienic place. This has increased the public demand. Presently, I have such a great demand for milk that I can fulfill that demand only by rearing 3 cows more in my dairy. मैं जैसे भाई थे चार्टर अकाउंटेंट हूँ और यहीं न्यू ऑप्शन बोर्ड में रहता हूँ. मैं आपने डेयरी दीपक चौधरी जी के यहाँ से जब से चालू हुई तब से रेगुलर दूध ले रहा हूँ और दूध की क्वालिटी अच्छी है. मैं अपने घर पर रेगुलर लैक्टोमीटर से दूध को चेक करता रहता हूँ. राय देखा गया है कि ट्रेनिंग लेकर के प्रोफेशनल आदमी इस तरह का कोई व्यवसाय करता है तो वह व्यवसाय में गुणवत्ता बनाए रखता है. Among the workers that I have in my dairy, one is a trained worker and the other is an untrained one. Despite this, I like to work myself and I do work. I believe that it is profitable to work by oneself and I do a lot of work in my dairy myself. Yes, satisfaction. This gives me ample satisfaction. Whatever rates of milk we have fixed for the direct consumers, we are supplying our milk at the same rate. Jaipur se jab CEO, when we were given a send off from Jaipur after our training, we were told that we would not be let off but would always remain contacted from time to time. I have realized that it was absolutely true, because we had recently Chauhan Sahab at my dairy, who sorted out my problems to my advantage. In the entire system, it is a good thing that there is a regular interaction between the experts and the entrepreneurs. Jaya articulates her achievement that she had through her training. In all this training ka jo result mere liye hai, wo to main inhi shabdon mein kehna chahungi ki mere liye to ye khushhal zindagi ke ankur phoot pade. और जैसे इस ट्रेनिंग से मैंने जो पाया उससे मैं यही कहूँगी कि मेरा एक तरह से ज़मीर जाग उठा और नौकरी पर जो एक निर्भरता रहती है अक्सर वो ख़त्म हुई और मैंने मेरा खुद का काम चालू करने का सोचा. और भी लोगों से, लेडीज़ से जो भी करना चाहती है, मंशा रखती है, उनके लिए भी मैं यह कहूँगी कि नौकरी का पीछा छोड़ो, कुछ अपना ही करने की सोचो, तो मेरे ख्याल से आप भी मेरी तरह बेहतर रिजल्ट पा सकेंगे. आज मैं मेरे बिजनेस को लेके एक ड्रीम आई एम चेरिशिंग अ ड्रीम through my business. This is only the first step. I want to go much ahead. I want to enlarge the fold of my cattle. I want to increase milk production and I want to prepare other milk products also. From the cow dung, I want to develop a vermicompost unit. The knowledge that I have gained from my training has infused in me a great ambition. To achieve my ambition, I am also trying. I'm hopeful of my success. It's not just the only success in her life. Education ke dauran during my education, I have always stood first. I have passed out
as an agriculture graduate with distinction. I want to distinguish in my business also. In the advancement of this work, she was greatly aided by her husband, who proceeded during the whole process, step by step, with great caution. कुछ मन में शंकाएं तो थी कि शायद नहीं हो पाए, कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि इसका बीएससी एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड भी है और ये थोड़ा जानती भी है, हालांकि हमको काफ़ी आश्चर्य हुआ जब मतलब जानवर आए और इसने बकायदा ब्रीड की और इसकी सबकी, हालांकि इन परचेजिंग सारी मैंने देखी थी और इसको जब गाय यहाँ आई थी तब इसने देखी थी, लेकिन तब भी इसने मतलब ब्रीड की प्योरिटी के बारे में, ब्रीड के बारे में, सबके बारे में इसने बकायदा एकदम सही से बता दिया कि ये फला पशु है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब मतलब जितना हमारे मन में जो डर था लगभग वो 95% कम हो चुका है, मतलब हमारे में पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई हम ये काम कर ही सकते हैं और अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है।